अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स संभल अहमद हियर अगेन। वेल गाइस, ये हमारे सीनियर इंजीनियर बैठे हैं, मनोज पठान साहब। एक क्लाइंट के पास हमने एक सिस्टम लगाया था कोई 1.5 साल पहले, और यहाँ पे हमने लगाया था एलजी 24 2.2 किलोवाट का। ये फरीद मेहमान साहब जिनके पास हमने लगाया था, 1.5 साल के बाद इनके पास इन्वर्टर ने प्रॉब्लम की है, और 1.5 साल जो इन्होंने यूटिलाइज़ किया है वो इनसे हम छोटा सा एक इंटरव्यू ले लेते हैं। अभी हमने दोबारा इनको रिप्लेस किया है SG2424, ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाया था हमने, जिसमें चेंज ओवर, 2 वोल्टमीटर और बैटरी इनके पास लगाई थी हमने TX100 ट्यूबलर फिनिक्स की 110 एम्पियर एट 20 आवर्स। फरीद भाई, लोड क्या चला रहे थे इसके ऊपर आप? सेवा एसी के साथ सब कुछ चल रहा है। क्या क्या चल रहा था? प्रिंटर हो गया मेरा, फोटो कॉपियर हो गया, कैमरे वगैरह हो गए, पंखे, सेवा, ट्यूबलाइट, सब कुछ ही चल रहा था। सब कुछ चल रहा था जी। और बैकअप कितना मिल रहा था आपको? बैकअप वापस तो मैं यूज़ ही नहीं करता था एक्चुअली, मेरी टाइमिंग ऑफिस की 7 बजे था, तो जो है मैं वो यूज़ नहीं, वापस का यूज़ ही नहीं होता था। अच्छा, वापस को बिल्कुल ही नहीं? बिल्कुल मैंने यूज़ नहीं किया। बिल कितना आवाज़ आपका? एसी को अगर हटा दिया जाए तो सिर्फ 700-800, मैक्सिमम 1000 बस। अगर क्लाउड वगैरह आ जाए तो उस पर अगर थोड़ी देर मैंने यूज़ कर लिया तो 800-1000। अच्छा, अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का हिसाब लगाया जाए तो आपकी इन्वेस्टमेंट की के ऊपर जी, जो आपने इन्वेस्टमेंट की 4 प्लेट आपने लगाई थी जी, इन्वर्टर लगाया था, बैटरी लगाई थी, टोटल खर्चा आपको कितना आया था? तकरीबन 1,25,000। 1,25,000 रुपये 2 किलोवाट के ऊपर। और रिटर्न आपको कितना आ गया होगा अंदर? इस वक्त एयरली 50% मेरा बिजली का बिल कम आ रहा है। 50% जी, क्योंकि लगाने से पहले मैंने तकरीबन 55,000 बिल पे किया था, और लगाने के बाद ओनली 22,000 मैंने बिल पे किया एयरली। ठीक हो गया, यानी आपने 50% सेविंग कर ली है जी। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तकरीबन 2 से 3 साल में जो है ना रिकवर, और 1.5 साल में मेरी 1 सेकंड के लिए भी लाइट नहीं गई, यानी कि हमें पता ही नहीं पड़ता कि लाइट कब जा रही कब आ रही है हमारा वास्ता ही, सिवा एसी को। ज़बरदस्त। वेल गाइस, हमने इनके पास लगाया था LG 24 प्लस मैक्स पावर का, और इनके पास ये तकरीबन 1.5 साल चला है। उसके बाद ह्यूमिडिटी यहाँ पे हुई है, बारिशें हुई हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी बढ़ी है, ह्यूमिडिटी का रेशियो बढ़ने की वजह से इसकी आईसीज वगैरह जो है वो बस्ट हो गई, जिसके वजह से रिपेयरिंग किया हुआ है। तो इनको हमने कहा कि आपको कमर्शियल काम है तो रिप्लेस कर लें सिस्टम जो है ना, इसके नया लगा लें और उसको रिपेयर करवा के रख लें, कि इलेक्ट्रॉनिक सामान है इसमें प्रॉब्लम आती है, श्योर आएगी, साल में आएगी, 1.5 साल में आएगी, लेकिन आएगी जरूर। तो जब भी प्रॉब्लम आए आपको रिपेयर करवा के जो रिपेयरिंग यूनिट है वो लगा लें आप, और जो ख़राब हुई है उसको रिपेयर करवा के रख लें, जो सही हो उसको लगा लें आप। तो अभी हमने यही किया है, LG 24 नया लगा दिया है। ये LG 24 प्लस है मैक्स पावर का, इसकी पीवी इनपुट तकरीबन 1200 वॉट्स है, जिसमें हमने 4 प्लेट लगाई, चारों ने पैनल लगाई, यानी सबके पॉजिटिव एक तरफ है, सबके नेगेटिव एक तरफ है, और बैटरी बैंक इस पर लगाया 110 एम्पियर का, और वापरिंग तकरीबन बंद थी। जब 700-800 बिल आ रहा है इसका मतलब बैटरी बैंक भी है, वापरने चार्ज नहीं कर रहे थे बैटरी बैंक, ऐसा ही बैटरी रखू भी वापरने चार्ज नहीं कर रहे थे, नहीं सोलर से चार्ज होता है। आपकी लोड शेडिंग कितने घंटे की हो रही थी? पता ही नहीं चलता, ब्रेकर ऑन करेंगे तो पता पड़ेगा कि लाइट आ रही है, हम ब्रेकर को छेड़ते ही नहीं, वाटर पे हम लेते ही नहीं। मैं कभी बारिश वगैरह हो जाए, बादल वगैरह आ जाए तो उसमें हम एहतियातन बैटरी चार्ज करने के लिए थोड़ी देर ऑन कर देते हैं, वरना बैटरी का बैकअप इतना होता है कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़बरदस्त यार। वेलिए अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे एथिक लाइन में और सक्सेस स्टोरीज में थे हमारी ये। वेल गाइस, इस टाइम हमने 1.5 साल में लगाया, और 1.5 साल में तकरीबन इनको 50% से प्लस इनको रिटर्न इन्वेस्टमेंट आ चुकी है, और हार्डली 2.5 साल में इनको 100% रिटर्न इन्वेस्टमेंट आ जाएगी इसकी सिस्टम की, इंक्लूडिंग जो हमने नैन को लगा के दिया इन्वर्टर, इंक्लूडिंग दिस इन्वर्टर। वेल गाइस, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें, ताकि हमारी नोटिफिकेशन जो आए हमारे न्यू वीडियोज़ की उनको मिलती रहे नोटिफिकेशन बाद में। थैंक गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अस्सलाम वालेकुम।